आंदोलन के समर्थन में आरजेडी द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब ये लोग भी मानव श्रृंखला का महत्व समझने लगे हैं। गांधी घाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सबसे पहले हम लोगों ने शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह और जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला बनाई, यह कोई नई बात नहीं है। तो हम लोग तो बापू के विचार को ही मानकर और लोगों के बीच में कोशिश कर रहे हैं कि समाज आगे बढ़े। तो आज के दिन तो बापू के प्रति यही हम लोगों का विश्वास है, और हम तो इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि हम बापू के विचारों से अलग हटकर नहीं जा सकते। कई लोग आज के युग में भी बापू के बारे में भले ही उनकी राय अलग रहती हो, लेकिन हम लोग उनके प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जा रही है सर, महागठबंधन की। सबको अपना अपना अधिकार है, कम से कम मानव श्रृंखला तो मानने लगे ना जी। कि मानव श्रृंखला की शुरुआत तो यही हम लोगों ने किया ना। सबसे पहले शराबबंदी के लिए शुरू किया, और उसके बाद ये 17 में उसके बाद हम लोगों ने किया दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, तो उसको किया। और तीसरा जो किया है, आप सबको मालूम है पिछले वर्ष ही 19 जनवरी को जो जल जीवन हरियाली अभियान के, और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला हुई। तो हम लोगों ने एक के बाद दूसरा सब मानव श्रृंखला किया, लेकिन फिर भी सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, उसमें हमको कोई कुछ नहीं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में किसानों के मुद्दे पर आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला आयोजित की गई है। मानव श्रृंखला में महागठबंधन के सहयोगी दल के नेता भी शिरकत कर रहे हैं।